किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर आज चिल्ला चिल्ला करके अपने आप को अपनी अस्मिता को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं। भारत के अंदर भी इनके मुंह सिले में एक भी शब्द इनका नहीं निकल रहा है। निरीह कमजोर लोगों के पक्ष में इन्होंने आवाज निकाली, इनका वोट बैंक सक जाएगा। वोट बैंक की चिंता है लेकिन मानवीय संवेदना इनकी मर चुकी है। मानवता के रक्षा के लिए इनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलने वाला। एन के एन प्रकारण सत्ता प्राप्त होनी चाहिए, इसके लिए चाहे देश को ही दांव पे क्यों ना लगाना पड़े। और यही तो हुआ, यही 1947 में भी हुआ और 1947 के बाद भी लगातार यही हो रहा है। जब भी इन लोगों के हाथों में सत्ता आई, इन्होंने देश की कीमत पर राजनीति की और उसकी कीमत इस देश को, इस देश की भोली भाली जनता को तब भी चुकानी पड़ी थी और लगातार लंबे समय तक चुकानी पड़ी है। यह विभाजन की दुर्भाग्यपूर्ण त्रासदी हम सबको उन्हीं गलतियों के परिमार्जन की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करती है। भारत बल बुद्धि विद्या सब में दुनिया का नेतृत्व करने की सामर्थ्य रखता था। याद करिए 16वीं सदी तक भारत का वैभव दुनिया के अंदर अग्रणी था। अगर दुनिया की जीडीपी की आप बात करते हैं तो दुनिया की अर्थव्यवस्था का आधा भाग का नेतृत्व अकेले हिंदुस्तान करता था 16वीं सदी तक। इतना समृद्ध भारत था और यह तब था जब कई सौ वर्षों तक लगातार विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण को यह झेल रहा था और लगातार फिर किस स्थिति में यह पहुंच गया था। आपने भी वो दृश्य देखा है फोटोग्राफ के माध्यम से, इस जो यहां पे भी सूचना विभाग ने त्रासदी के कुछ दृश्य आपके सामने प्रस्तुत किए। 15 अगस्त 1947 से एक दिन पूर्व 14 अगस्त 1947 को जब विभाजन की त्रासदी हो रही थी और 15 अगस्त को जब देश के अंदर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत के तिरंगे को पहरा करके कांग्रेस के नेताओं के द्वारा देश के अंदर आजादी के जश्न को मनाने का कार्य किया जा रहा था, तब लाखों लोग अपनी मातृभूमि को छोड़ने के लिए, अपने परिवारों को छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे थे। किस प्रकार की यातनाएं उन पे पड़ रही थी, किस प्रकार का दृश्य था, किस प्रकार के मानवीय अत्याचार हो रहे थे, ये किसी से छुपावा नहीं। और ये दृश्य बहुत कुछ है, चित्र बहुत कुछ बोल देते हैं। यानी दुनिया का सबसे समृद्धतम देश 1947 तक आते आते एक दलित्र देश में बदल गया था। और वह दृश्य भी आपने देखा, वह दृश्य भी आपने देखा है। ये क्यों हुआ, क्या ये सच नहीं कि हमारी कुछ कमजोरियों ने आक्रांताओं को देश के अंदर आक्रमण करने के लिए एक स्पेस दिया, और जो गलतियां इतिहास के उन काले अध्यायों में हम सबके सामने कैद है, क्या वही गलतियां चुनाव के समय राजनीतिक नेतृत्व देश के अंदर, इस प्रकार की गलतियां राजनीतिक दलों के द्वारा नहीं की जाती है? इस जाति के नाम पर विभाजन की त्रासदी तक पहुंचाने की एक कथा वही है जो पहले जातीयता के नाम पर होता था, जातिवाद के नाम पर होता था। आज वही कार्य, वही कृत्य, वही कारनामे राजनीतिक दलों के स्तर पर जातीयता का नग्न तांडव करके फिर उसी विभाजन की ओर ले जाने की कुछ सी चेष्टा की जा रही है। परिणाम क्या है? परिणाम आप सबके सामने फिर वही है, परिणाम फिर आपके सामने वही है।
तिथि बदली है, लेकिन चेहरे बदले होंगे, लेकिन घटनाओं का स्वरूप उसी प्रकार का है जो 1947 में हुआ था। वही तो पाकिस्तान में आज भी हो रहा है, वही तो पूर्वी पाकिस्तान कहा जाने वाला आज का बांग्लादेश में वही तो हो रहा है। उस समय 10 लाख हिंदू एक साथ काटे गए थे, हिंदू सिख सभी थे, एक साथ काटे गए थे, और आज भी वही आगजनी, वही तोड़फोड़, वही लूटपाट, बहन और बेटियों के साथ वही अत्याचार, उसी प्रकार की त्रासदी का दृश्य आज भी हम सबके सामने है। और इस सब के बावजूद इस प्रकार के कार्यक्रमों को केवल एक औपचारिकता बना करके हम लोग केवल अपनी बात करने तक सीमित हो जाते हैं। आखिर कब इतिहास की इन गलतियों से हम सबक सीखेंगे? और आज मैं आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं, हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने इतिहास के इन काले अध्यायों से पर्दा उठा करके देश की जनता की आंखों को खोलने का काम किया है, देश का ध्यान आकर्षित किया है, इतिहास की इन गलतियों के परिमार्जन के लिए रास्ता बनाने का एक आह्वान हम सबका किया है। और उसी आह्वान के साथ जोड़ने के लिए मैं आप सबसे भी कहने के लिए आया हूं कि जो दृश्य 1947 में हुआ था वही दृश्य तो आज बांग्लादेश के अंदर हम सबको देखने को मिल रहा है। 1.5 करोड़ हिंदू किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर आज चिल्ला चिल्ला करके अपने आप को, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं, और दुनिया के मुंह सिले हुए कथित सेकुलरिस्ट भारत के अंदर भी इनके मुंह सिले हुए, एक भी शब्द इनका नहीं निकल रहा है, क्योंकि उनको भय है कि अगर इन निरीह कमजोर लोगों के पक्ष में इन्होंने आवाज निकाली तो इनका वोट बैंक खिसक जाएगा। वोट बैंक की चिंता है, लेकिन मानवीय संवेदना इनकी मर चुकी है, मानवता के रक्षा के लिए इनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलने वाला है, नहीं निकलेगा, क्योंकि इन्होंने आजादी के बाद लगातार उसी प्रकार की राजनीति को प्रेरित और प्रोत्साहित किया, उसको लेकर के आगे बढ़ते रहे। ये लगातार बांटो राज करो की उस राजनीति के तहत ये लोग देश के अंदर कार्य करते रहे। अंग्रेजों से सत्ता इन्होंने उस समय प्राप्त की, ये वास्तव में भारत की सत्ता का नेतृत्व नहीं कर रहे थे, बल्कि अंग्रेजों के ही, ब्रिटिशर के ही मानस पुत्रों के रूप में इन्होंने भारत की सत्ता को उस रूप में संचालन करना शुरू किया जैसे ब्रिटिशर इस देश के अंदर कर रहे थे। और आज उसी का दुष्परिणाम यह देश लगातार चुकाया है, अखंड हिंदुस्तान चुकाया है। लेकिन हमारा संकल्प है, महर्षि अरविंद ने जो 1947 के पहले घोषणा की थी, आजादी की त्रास, देश की विभाजन की त्रासदी आजादी के मिलने के बाद अक्सर उन्होंने इस बारे में अपनी चिंता व्यक्त भी की, और उन्होंने इस बात को कहा था कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है, या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में जब जिसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है उसको नष्ट ही होना है, और उसकी नष्टता, उसके नश्वरता को हमें संदेह की निगाहों से नहीं देखना चाहिए, हमें मानना चाहिए ये होगा, लेकिन इसके लिए हमें भी तैयार होना होगा, हमें भी अपने आप को तैयार करना होगा, हमें अपनी उन गलतियों का परिमार्जन करना पड़ेगा जिन गलतियों के कारण विदेशी आक्रांताओं को भारत के अंदर घुसने, भारत के पवित्र तीर्थ स्थलों को अपवित्र करने, भारत की परंपरा और संस्कृति को
नष्ट करने का एक अवसर जिन्हें प्राप्त हुआ था, उस प्रकार की गलतियों को, वह विभाजन की जो त्रासदी तक हमें पहुंचाया है, वह जातीय विभाजन के रूप में, क्षेत्रीय विभाजन के रूप में, भाषाई विभाजन के रूप में, इन सभी से उभर करके हम सबको राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ मिलकर के कार्य करना होगा। भारत की आजादी इस बात के लिए हम सबका आह्वान कर रही है। और याद रखना, भारत केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र ही नहीं है, ये लोकतंत्र की जननी भी है। जितनी स्वतंत्रता भारत ने अपने नागरिकों को दी है, दुनिया के अंदर इस प्रकार की स्वतंत्रता किसी भी अन्य देश में अपने नागरिकों को नहीं प्राप्त हो पाई है। हम सबको अपने संविधान पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए, भारत के संविधान निर्माताओं के प्रति अपार श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त करना चाहिए।